में आपको बहुत ही ज्यादा हेल्दी और टेस्टी साबुत हरी मूंग दाल का क्रिस्पी पैसा रट्टू बनाना बताती हूँ कैसे बनाया जाता है। आप इसे हरी मूंग दाल का चीला या डोसा भी कह सकते हैं। ये खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। आप इसे सुबह ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं या शाम को स्नैक्स के रूप में भी बना करके खा सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। डोसा बनाने के लिए ये हमने 1 कप साबुत मूंग की दाल ली, जिसे हमने 3 से 4 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया जिससे कि ये दाल फूल जाए। देखिए अब ये दाल फूल गई है, हम इसे तोड़ रहे हैं तो ये इजीली टूट रही है। बस हमें इसी टाइप की फूली हुई दाल चाहिए। ये हमने 1/4 कप चावल लिया, इसे भी हमने दाल के साथ भिगो दिया था। चावल आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, महीन या मोटे। सबसे पहले हम दाल और चावल को पीस लेते हैं। इसके लिए हमने ये मिक्सी का जार लिया है। अब हम दाल को मिक्सी के जार में डाल देते हैं। हमने इस दाल को 2-3 बार साफ पानी से धो लिया है। धोने के बाद जितना भी एक्स्ट्रा पानी था वो निकाल दिया है। अब जो चावल थे उसे भी हम डाल देते हैं। 2 हरी मिर्च, मिर्च आप अपने टेस्ट के अनुसार थोड़ी सी कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। ये हमने थोड़े से करी पत्ते लिए वो डाल देते हैं, इससे फ्लेवर अच्छा आएगा। 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 1 टीस्पून जीरा, नमक टेस्ट के अनुसार। अब हम इसके अंदर 1/2 कप पानी डाल देते हैं। अब हम सभी चीजों को मिक्सी से हल्का दरदरा पीस लेते हैं। ये हमने दाल और चावल को हल्का दरदरा पीस लिया है। अब मैं आपको दिखा भी देती हूँ। जब मैंने दाल को पीसा था दाल में पानी थोड़ा सा कम लग रहा था, उस समय मैंने 1/4 कप पानी का और यूज किया था। देखिए हमें इस टाइप के हल्के दरदरे दाल चावल पीसे हुए चाहिए। अब हम इस बैटर को इस बॉल में निकाल लेते हैं। ये हमने सभी बैटर को इस बॉल में निकाल लिया है। अब ये बैटर थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है, हमें इसका बैटर ना ही ज्यादा पतला चाहिए और ना ही ज्यादा गाढ़ा। ये हमने मिक्सी के जार में 2 टेबल स्पून पानी डाल दिया था। अब इस पानी को हम इस बैटर में डाल देते हैं और पानी को मिक्स कर देते हैं। देखिए अब ये बैटर बिल्कुल ठीक है। अब हम बैटर को 10 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं, जिससे कि बैटर अच्छे से सेट हो जाएगा और आगे की तैयारी कर लेते हैं। अब हम डोसे में भरने के लिए स्टफिंग बना लेते हैं। तो उसके लिए हमने ये 2 टेबल स्पून प्याज लिए वो डाल देते, 2 टेबल स्पून शिमला मिर्च, आधी छोटी साइज की गाजर जिसे हमने कद्दूकस कर लिया है, 2 हरी मिर्च, मिर्च आप अपने टेस्ट के अनुसार थोड़ी सी कम या ज्यादा भी कर सकते हैं, थोड़ा सा हरा धनिया। अब हम सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब ये स्टफिंग बनके तैयार हो गई है। मैं आपको कई तरीके से डोसे बनाना बताऊंगी, इसके लिए आप मेरी वीडियो को लास्ट तक देखें। 10 मिनट करीब हो गए हैं। अब ये बैटर भी सेट हो गया है। अभी ये बैटर थोड़ा सा मुझे गाढ़ा लग रहा है। अब मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून करीब पानी और डाल देती हूँ। पानी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब ये बैटर बनके तैयार हो गया है। बस हमें इसी टाइप का बैटर चाहिए। चलिए अब डोसा बना लेते हैं। डोसा बनाने के लिए हमने गैस पर नॉनस्टिक पैन रख दिया है। पैन को गर्म होने देते हैं। जब तक पैन गर्म हो रहा है हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा लेते हैं। ऑयल को चारों तरफ फैला देते हैं। ऑयल को टिश्यू पेपर से पोंछ देते हैं और तवे को तेज गर्म होने देते हैं। तवा तेज गर्म हो गया है। अब हम तवे को हल्का ठंडा कर लेते हैं और पानी को टिश्यू पेपर से पोंछ देते हैं। अब ये तवा हल्का ठंडा हो गया है। अब हम बैटर को तवे पर डाल देते हैं और हल्के हाथों से इसे इस तरीके से फैला देते हैं। साइज आप अपने हिसाब से बना लें कि आपको डोसे का साइज क्या बनाना है, उस हिसाब से आप बैटर को फैला लें। ये हमने बैटर को फैला दिया है। अब हम स्लो मीडियम फ्लेम पर डोसे को सिकने देते हैं। आप देख पा रहे हैं डोसे का कलर चेंज हो गया है। अब हम इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगा देते हैं, जिससे कि डोसा क्रिस्पी बनके तैयार होगा। ऑयल को डोसे पर फैला देते हैं
और डोसे को क्रिस्पी होने तक स्लो मीडियम फ्लेम पे सेकना देते हैं। हमें इसे स्लो मीडियम फ्लेम पे ही सेकना है जिससे कि डोसा क्रिस्पी बनके तैयार हो। अगर हम तेज फ्लेम पे डोसे को सेकेंगे तो डोसे का कलर बहुत जल्दी डार्क हो जाएगा और डोसा क्रिस्पी भी बनके तैयार नहीं होगा। आप देख पा रहे हैं डोसा सीख गया है और डोसे का कलर भी चेंज हो गया है। अब हम डोसे को फोल्ड कर लेते हैं और डोसे को प्लेट में निकाल लेते हैं और डोसे को प्लेट में निकाल लेते हैं। आप देख पा रहे हैं ये हमने प्लेन डोसा बनाया है। अब मैं आपको दूसरा डोसा बनाना बताती हूँ। अब हम तवे को दोबारा से पोंछ लेते हैं और तवे को हल्का ठंडा कर लेते हैं और पानी को भी पोंछ देते हैं। अब हम बैटर को तवे पे डाल देते हैं और बैटर को बिल्कुल उसी तरीके से फैलाएंगे जैसे हमने पहले फैलाया था। अब हम इस डोसे को भी बिल्कुल उसी तरीके से सेकेंगे जैसे हमने पहले सेका था। अब हम डोसे के ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा लेते हैं। ऑयल को फैला देते हैं। अब जो हमने स्टफिंग बनाई थी वो हम इसके ऊपर डाल देते हैं। डोसे को स्टफिंग लगा करके बना सकते हैं और आपको अगर डोसे को और भी ज्यादा टेस्टी बनाना है तो आप इसके ऊपर चीज डाल सकते हैं। अब मैं इसके ऊपर थोड़ी सी चीज डाल देती हूँ। चीज आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो भी आप खाना पसंद करते हैं। इससे डोसे का टेस्ट बहुत अधिक बढ़ जाता है और डोसे को सिकने देते हैं। जैसे जैसे डोसा सिकता जाएगा सब्जी हल्की सॉफ्ट होती जाएगी और चीज भी मेल्ट होती जाएगी और ये डोसा भी खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। आप इसे एक बार जरूर बनाइएगा, आपको भी ये बहुत ज्यादा पसंद आएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आए। मैंने आपको दो तरीके से डोसे बनाने बताया है। आप मुझे कमेंट्स करके ये जरूर बताइए कि आपको कौन सा डोसा ज्यादा पसंद आया। मुझे तो ये दोनों ही डोसे खाने में टेस्टी लगते हैं। आप चाहे तो सब्जी ना डाल करके सिर्फ चीज डाल के भी डोसा बना सकते हैं, वो भी डोसा खाने में टेस्टी लगता है। आप देख पा रहे हैं डोसा सीख गया है। अब हम डोसे को फोल्ड कर लेते हैं को दिखा भी देती हूँ कि डोसा कितना क्रिस्पी बनाए। बनाए ना कितना क्रिस्पी। अब हम इस डोसे को प्लेट में निकाल लेते हैं। आप देख पा रहे कितने बढ़िया डोसे बनके तैयार हुए हैं। हमें इसी तरीके से सभी डोसे बनाने हैं। अब ये भी डोसा सीख गया है, इसे भी फोल्ड कर लेते हैं। देखिए ये डोसा भी कितना बढ़िया बनके तैयार हुआ है। आप देख पा रहे कितने बढ़िया साबुत मूंग की दाल के डोसे बनके तैयार हुए हैं। ये डोसे खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगते हैं। आप भी इनको एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको भी ये बहुत ज्यादा पसंद आएंगे। अब मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ कितने क्रिस्पी बने। बने हैं ना कितने क्रिस्पी। आप इन डोसों को किसी भी चटनी के साथ खा सकते हैं। ये नारियल की चटनी के साथ तो खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगते हैं। मैंने ये दो तरह की नारियल की चटनी बनाई है। आप इन दोनों चटनियों की रेसिपी मेरे चैनल पर देख सकते हैं। मैंने आपको जिस तरीके से बनाना बताया अगर आप उस तरीके से बनाएंगे तो आपके भी बिल्कुल ऐसे ही बनके तैयार होंगे। देखिए देखने में कितने सुंदर लग रहे हैं और ये देखने में जितने अच्छे लग रहे हैं उससे ज्यादा ये खाने में टेस्टी लगते हैं और खाने के साथ साथ ये हेल्दी भी है क्योंकि हमने इन्हें साबुत मूंग की दाल के साथ बनाया है। अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी भी पसंद आती है तो रेसिपी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अब हम फिर मिलते हैं इसी तरह की हेल्दी और टेस्टी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।